तो गाइस अगर आप भी क्लेस कोड में रैंक पुश करते हो या अगला सीजन ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करने वाले हो तो ये वीडियो जरूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं ग्लिच के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि वो ग्लिच चल रहा है जो ग्रैंड मास्टर वाले बंदों के सामने प्लेटिनम के बंदे आते हैं, उस ग्लिच के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पर स्ट्राइक आ चुकी है एक बंदे की। अब वो स्ट्राइक क्यों आई वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैंने उसका कोई कंटेंट यूज़ किया होगा, उसका कोई कोई मटेरियल यूज़ किया होगा, ये ऐसा आपके माइंड में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा मैंने 1% भी किसी का कंटेंट यूज़ नहीं किया था। 100% कंटेंट मेरा ही था, सारा कंटेंट मेरा था उस वीडियो के अंदर, पूरा वॉइस ओवर गेम प्ले वगैरह जो भी था वो मेरा ही था, ठीक है। तब भी उसकी स्ट्राइक आ गई तो वो एक तरीके की फेक स्ट्राइक है, किसी फेक बंदे ने स्ट्राइक मारी है, और वो बंदा कोई क्रिएटर भी नहीं है, ठीक है, वो बंदा कोई क्रिएटर नहीं है, और जहां तक के मेरे को लगता है वो बंदा मतलब ग्रैंड मास्टर वाले बंदों में से ही कोई एक बंदा है, ठीक है ना, क्योंकि नहीं चाहता कि किसी को वो ट्रिक के बारे में पता चले या ग्लिच के बारे में पता चले, क्योंकि अभी हो ऐसा रहा है। उस वीडियो में मैंने कि आपको क्या बताया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिक चल रही है ये ट्रिक ज़्यादातर लोगों को पता ना चले, इसलिए इन बंदों ने एक नई ट्रिक बना दी, मतलब एक फेक ट्रिक बना दी, ताकि पब्लिक को गुमराह कर दें कि भाई ये ट्रिक करो और वो करो, और पब्लिक जो है वो उस ट्रिक के ऊपर ध्यान देगी और जो रियल ट्रिक थी ना वो लोगों को पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो मैं इन दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। तो गाइस जो फेक ट्रिक उन्होंने बताई ना वो क्या थी कि आपको स्क्वाड में जाना है, स्क्वाड में जाने के बाद आपको गेम स्टार्ट करते ही जो है ना अपना क्लियर कैच करते रहना और सैंड रिपोर्ट करते रहना। तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सैंड रिपोर्ट हम तब करते हैं जब हमारे गेम के अंदर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आप बार बार हर गेम के अंदर इस चीज़ को करोगे तो एक तरीके से इनवैलिड एक्टिविटी हो जाएगी, इसका काम तो कुछ नहीं होगा लेकिन आपके आईडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता, और बार बार आप सैंड रिपोर्ट करोगे तो एक तरीके का ग्लिच कर रहे हो, बग कर रहे हो गेम के अंदर, हो सकता है इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से तुम्हारी आईडी को सस्पेंड कर दें या फिर बैन कर दें, तो कुछ भी हो सकता है और तुम्हारी आईडी के लिए कोई भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें तुमको नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ रियल ट्रिक क्या है। तो रियल ट्रिक ये थी कि आपको क्या करना है कि आपको स्क्वाड में खड़े होना है, ठीक है ना, गौर से सुनना इस चीज को, क्योंकि मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा ये। बेसिकली आपको स्क्वाड में खड़ा होना है और आपकी कोई सा भी लेवल हो, भले आप ग्रैंड मास्टर के ऊपर हो, कितने भी स्टार हो, आपको चारों बंदे अच्छे लेवल के आप ले सकते हो, ठीक है, आप चारों बंदे अपने हो। अब यहां पर आपकी एक दोस्त हेल्प करेगा, आपका एक दोस्त होगा जो आपकी इस चीज में हेल्प करेगा। उस दोस्त के मतलब जो ना स्टार वगैरह जो भी है लेवल, वो आपके जितने होने चाहिए, जैसे मान के चलो अगर तुम्हारे 100 स्टार है तो तुम्हारे दोस्त के भी 100 स्टार होने चाहिए, जो कि अलग ग्रुप में होगा, ठीक है। वो अलग ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप के अंदर वर्ल्ड के बंदे बुलाएगा, मतलब वर्ल्ड में रिक्वेस्ट भेज देगा और 3 बंदे आएंगे एकदम मतलब प्लेटिनम के नूब, ऐसे बंदे आते हैं, ठीक है, वर्ल्ड से तो ऐसे बंदे आते हैं, तो वो बंदे आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेगा, आप दोनों को एक टाइम पे गेम स्टार्ट करना, मतलब एक सेकंड में एक ही मतलब टैप में। अब वो आप डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट होके करो, कॉल पे कनेक्ट होके करो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके करो, कैसे भी करो, लेकिन एक साथ उनको क्लिक करना है। अब एक साथ मैच मेकिंग होगी, अब आप सोचोगे ग्रैंड मास्टर के सामने वो बंदे कैसे आएंगे, तो बेसिकली मैं आपको समझा दूं। अब आपका दोस्त 100 स्टार के ऊपर है, उसके सामने उसके साथ में मतलब नूब बंदे हैं वर्ल्ड के, ठीक है, तो उसकी मैच मेकिंग थोड़ी लेट होगी और ग्रैंड मास्टर के ऊपर भी मैच मेकिंग लेट ही होती है, अगर आप पुश करो तो आपको पता ही है। तो दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका दोस्त जो है ना वो अपना गेम मिनिमाइज कर लेगा या बैक कर लेगा गेम स्टार्ट करके, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो गेम में नहीं आ पाएगा, लेकिन वो जो वर्ल्ड से उस बंदे ने बुलाए थे, जो बंदे उसने वर्ल्ड से बुलाए थे प्लेटिनम के, वो बंदे आपके सामने आ जाएंगे, जो आप ग्रैंड मास्टर की स्क्वाड लेके बैठे थे उसके सामने आ जाएंगे। तो ये ग्लिच इस तरीके से काम करता है। अगर तुमको इसको प्रॉपर देखना है तो तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, 2-3 लोगों ने ही बनाई, बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में वीडियो बनाई है, और इसी की वजह से उन्होंने मेरे को स्ट्राइक पड़वा दी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ज़्यादा लोगों को पता चले। अब देखो ये ग्लिच फिक्स नहीं होगा तो आप कैसे रैंक पुश करोगे, आप इतनी मेहनत करके रैंक पुश करोगे और वो बंदे एक दिन में 100 स्टार कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात करूँ, मैंने पूरा डिटेल में उसमें आपको समझाया था, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकता, यहाँ पर मैंने आपको सिंपल ही समझा दिया, और आपको बस इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत से लोग शेयर कर रहे थे, उस वीडियो पर बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा था, क्योंकि वो काम की चीज़ थी और वो ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने स्ट्राइक पड़वाई कि वो वीडियो वहीं पर रुक जाए। अब उन्होंने उनका काम कर दिया है, 7 दिन बाद तक कि अगर हमें स्ट्राइक हट भी जाएगी ना तो वीडियो का काम नहीं होगा, क्योंकि नया सीज़न आ ही जाएगा क्लेस कोड का और फिर वही सब लोग भूल जाएंगे उसके बारे में। तो आप इस ग्लिच के बारे में ज़्यादातर लोगों को बताओ कि भाई ये ग्लिच चलता है, और ये ग्लिच अगर फिक्स नहीं होता है तो फिर आपको रैंक पुश नहीं करनी है, गरीना तक ये बात जानी चाहिए कि भाई ये ग्लिच को फिक्स करो, वरना जितने भी फ्रॉड बंदे स्कैमर बंदे हैं वो ग्रैंड मास्टर पर रहेंगे, आप कितनी मेहनत कर लो आप ग्रैंड मास्टर पर नहीं पहुँच पाओगे। तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, ये आपका ऑप्शन है, अगर आप करना चाहते हो तो कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, लेकिन शेयर जरूर से करना, ठीक है, याद से शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, जितने भी क्लेस कोड खेलते हैं प्लेयर उन सबके पास वीडियो को शेयर करना है। और आपको अगर प्रॉपर देखना तो आप सर्च कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दी दोनों ट्रिकें, जो पहली वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी क्लियर कैच वाली वो बिल्कुल फेक है, उसको मत करना बिल्कुल भी अपनी आईडी के अंदर, और जो दूसरी ट्रिक थी यही काम करती है, ठीक है ना, बहुत से बंदों ने इसको करके भी दिखाया, तो आप उनकी वीडियो जाके देख सकते हो, उनकी वीडियो देखो, यहाँ पर हम किसी का नाम नहीं ले रहा ना किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। तो बस गई आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।